गोविंदा गोविंदा, मेरा नाम अभिलाषा है और मेरा आज का वीडियो है तिरुपति से तिरुमाला तक का बस सफर, बस जर्नी फ्रॉम तिरुपति से तिरुमाला। इस वीडियो में आप बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे, जैसे तिरुपति से तिरुमाला जाने में कितना समय लगता है, कितना फेयर है, किस तरीके से जा सकते हैं और बहुत सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरुपति से तिरुमाला का जो बस सफ़र है वो लगभग 1.5 घंटे का है और जर्नी जो है 35 किलोमीटर की है। इसके लिए आपको बसेस जो है वो APSRTC बस स्टैंड से बहुत आराम से मिल जाता है। सभी तरह की बसेस हैं, चाहे वो AC हो, नॉन AC हो, लग्जरी हो या फिर इलेक्ट्रिक बसेस, या फिर देवस्थानम की तरफ से जो फ्री बसेस चलती है वो आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर से आराम से मिल जाती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। बस का जो किराया है तिरुपति से तिरुमाला का वो है 90 रुपीज फॉर नॉन AC बसेस एंड बच्चे के लिए उसका जो किराया है वो 50 रुपीज है। इस वीडियो में अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है रेनीगुंटा से तिरुपति तक का भी सफर। रेनीगुंटा एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा शहर है जो तिरुपति से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी काफी अच्छा है और यहाँ से भी आपको बसेस जो है वो डायरेक्टली आपको तिरुमाला के लिए मिल जाएगी। रेनीगुंटा से एयरपोर्ट काफी करीब है, इसलिए बहुत सारे डिवोटीज जो है वो रेनीगुंटा के आसपास भी रहना पसंद करते हैं और रेनीगुंटा से तिरुमाला जाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कुछ डिवोटीज जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रेनीगुंटा से तिरुमाला जाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप तिरुपति से तिरुमाला जाएंगे तो आप बस से जा सकते हैं या फिर आप कार्स भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो भी आप आराम से जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र होता है, जो पूरा जो सफ़र है वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है क्योंकि तिरुमाला हिल्स पे है, तो जो सफ़र है वो बिल्कुल एस शेप में होगा, यानी कि जिगजैग शेप में होगा। और तिरुपति का जो सबसे फेमस है वो है श्रीनिवासा फ्लाईओवर, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये फ्लाईओवर है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके ऊपर से जब आप बस आपकी जाएगी यानी कि तिरुपति से तिरुमाला जाएगी तो आप जो है पूरा नज़ारा देखेंगे, पूरे आपको हिल्स देखते हैं, पूरे शहर दिखती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो सीन होता है ना वो दिखता है। और सबसे खास बात इस श्रीनिवासा सेतु फ्लाईओवर की ये है कि जितने भी पिलर्स हैं ना उस पर, बहुत सारे पिलर्स पे जो है भगवान का जो अलग अलग रूप है उसको दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जब आप तिरुपति से तिरुमाला जा रहे होते हैं तो आपको बीच में आता है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, जू आता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जू देखने के लिए भी आते हैं, तो आप इसी रूट में जो है वो जूलॉजिकल पार्क है। इसके बाद जो वन ऑफ द फेमस जगह आता है और जो फेमस पॉइंट आता है वो है नंदी भगवान का एक बड़ा सा सर्किल है, स्टैचू है, नंदी स्टैचू जो है वो भी बहुत सुंदर है। उसके पास में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, तो बहुत सारे लोग इस नंदी भगवान का जो स्टैचू है यहाँ पे भी रुकते हैं और बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप जो बस से जा रहे हो तो ये सारी जगह जो है ना वो रुकने को नहीं मिलता है, लेकिन आप जो प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे तो आप इस जगह पे रुक सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है और शाम की जो लाइटिंग होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस जगह पे ज़रूर अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो जाएं। आप देखेंगे पूरे रास्ते में जो है ना आपको हिल्स दिखते जाता है और हिल्स का जो जब आप पहाड़ के ऊपर जब आपकी बस जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जगह जगह इस तरह से वेलकम गेट बनी हुई है और इस वेलकम गेट का भी जो आर्ट है, जो उस पर जो रचा गया है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके साथ साथ अब जब आगे बढ़ेंगे तो गरुड़ा स्टैचू आता है, या फिर इसका नाम जो है वो है अली पीरी सर्कल। ये गरुड़ा स्टैचू जो है, ये जो सर्कल है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और ये जो जगह है यहाँ पे अली पीरी सर्कल है, जहाँ से जो लोग पद यात्रा करते हैं वो यहीं पे उतर जाते हैं और यहाँ तक का जो बस किराया है वो 30 रुपीज़ है। दो तरह का जो फुट स्टेप है वो बोला जाता है कि है, एक है अली पीरी मेटलू जिसमें कि 3,550 स्टेप्स है, लगभग 12 किलोमीटर है,
और एक है शिवारी मेट्रो जिसमें की 2400 स्टेप्स है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है जिन्हें भी पैदल जाने का है, चढ़ के जाना होता है। जो सबसे एंशियंट टाइम्स में जो लोग जाते थे ऊपर, वो इसी वे से जाते थे। तो यहाँ पे आपको उतरना है अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो। इसके बाद जब आपकी बस जाएगी तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे स्कैनिंग होती है, आपके लगेज की स्कैनिंग होती है, आपके पर हर एक इंसान की स्कैनिंग होती है, चाहे वो वुमेन हो और मैन हो, बहुत अच्छे से स्कैनिंग होती है। इसलिए यहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ नहीं रखें और कोशिश करें कि प्लास्टिक की बॉटल ना रखें, क्योंकि वो लोग प्लास्टिक की बॉटल अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हटा दें, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे से चेकिंग हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो है बस जो है आगे यात्रा के लिए स्टार्ट होती है, और इसके बाद बस जो है कहीं पर भी नहीं रुकती है। काफ़ी बढ़िया लगता है, ये जो पूरा जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और प्राइवेट व्हीकल से जाने का यही फायदा है कि आप बीच में कहीं पे भी लोकेशन में रुक के और आप वहाँ के चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत जगह झरने होते हैं, बहुत जगह आप देखेंगे कि टेंपल्स है बीच बीच में, तो आप वो देख सकते हैं। बस से जो पूरा जर्नी है वो लगभग एक से डेढ़ घंटे का लगेगा, और बीच में आप देखेंगे बहुत जगह बहुत सुंदर सुंदर वन जो है, जिसका नाम उन्होंने रखा है कपिला वनम या ध्रुवासा वनम। तो ये सारे वन जो हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और कई जगह रिटर्न भी है कि प्लास्टिक ना फेंकें, और रात में यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर वाइल्ड एनिमल्स जो है आ जाते हैं। इसलिए रात में 11:30 बजे के बाद आपको तिरुमाला से कोई तिरुपति तक के लिए बस या नहीं मिलती है। तो आप जब तिरुमाला से तिरुपति आ रहे होते हैं तो रात के 11:30 बजे जो है ना वो लास्ट बस आपको मिलती है। आप जब तिरुमाला पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप बहुत सारी और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि वहां का एक म्यूज़ियम भी है। भगवान बालाजी दर्शन करने के बाद आप चाहें तो 6 और लोकेशंस है तिरुमाला में, जो काफ़ी बढ़िया लगता है और ज़रूर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। वो है श्रीवारूपटलू, शिलाथोरम, वेणुगोपाल टेम्पल, आकाशगंगा, चक्र तीर्थम, पाप विनाशनम। बहुत ही सुंदर जगह है तिरुमाला, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, हर एक चौक को इतना सुंदर सजाया गया है। जो भी चौराहे होते हैं वो काफ़ी सुंदर है, बहुत सारे जैसे ये पार्क्स वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपके पास समय है तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं गार्डन में बैठ के, पार्क में बैठ के। ये जो आप रोड के साइड में देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्वार्टर्स है, या फिर जो विश्राम करने के लिए जो आप रूम्स वगैरह लेते हैं वो सारे रूम्स हैं जो कि बस स्टैंड के बहुत पास में है। तो ये सारे रूम्स हैं। अगर आप एकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो बेस्ट है आप ऑनलाइन इसको 3 महीने पहले बुक करें, अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद भी आप रूम के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे से शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप अगर आपके पास रूम नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और पूरे तिरुमाला में आप देखेंगे बहुत अच्छे से रेस्ट रूम्स वगैरह यानी कि वॉशरूम्स वगैरह बने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और जब आप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, बस स्टैंड के आसपास में आपको काफ़ी सारे मार्केट्स मिल जाएंगे, और बस स्टैंड से पास में ही आपको जहां पे पहले जाना है पुष्करनी बात लेने, या फिर आपको तिरुमाला का जो अन्न प्रसाद है वो भी बहुत पास में। ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भी, फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि ये जो है रेप्लिका जैसा बनाया गया है भगवान की मूर्ति जैसा। तो ये था छोटा सा सफ़र फ्रॉम तिरुपति से तिरुमाला, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी, जैसे कि फेयर कितना है, कितना देर लगेगा, रास्ते में आप क्या देख सकते हैं, अलीपेरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग तिरुमाला, आप मुझे राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर मेरे आप अदर वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।